नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। तरनतारन के गांव गोहलवड़ में पाठ की भेंट लेने गए भाइयों पर दूसरे पाठी सिंह ने तेजधार हथियारों से किया हमला। एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। जालंधर पठानकोट हाईवे पर तेल से भरा टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर पलटा, हजारों लीटर सरसों का तेल सड़क पर फैला। जालंधर के मकसूदा थाना में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। और अब हलचल विस्तार से। तरनतारन के गांव गोहलवड़ में पाठ की भेंटे लेने गए भाइयों पर दूसरे पाठी सिंह की ओर से तेजधार हथियार से कातिलाना हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में एक नौजवान की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान मनप्रीत सिंह निवासी गाँव वरपाल कलां के तौर पर हुई है। गौरतलब रहे कि हमलावर गोहलवड़ में सड़क पर तंबू लगाकर शरदाई बेचने का काम करता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक नौजवान के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि हमलावर शुभकरण सिंह, जो कि गांव गुरुवाली का रहने वाला है, उन्होंने बताया कि शुभकरण सिंह उनके साथ अखंड पाठ साहिब की सेवा करता है। उनके द्वारा शुभकरण सिंह से किए पाठ की भेंटा 2000 रुपये लेनी थी और जब दोनों भाई पैसे लेने गए तो शुभकरण द्वारा उनके साथ पैसे देने पर झगड़ा करना शुरू कर दिया व खंजर से वार कर दिया, जिस कारण मनप्रीत सिंह की मौत हो गई। तो वहीं मृतक के परिवार की ओर से पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग की गई है। वहीं थाना सिटी तरनतारन की ओर से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस मौके पर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। गलबात कोई नहीं, बच्चे हैं साढ़े ना, इन्होंने माया लेनी सी अपने खंड पाठों की ड्यूटियां की, पैसे लैन वास्ते आए बाबा अशरा सिंह गुरद्वारे गुरमुखी सिंह और बेटे को भी खंड पाठी कट्ठे पाठ करते, उन्हें इन्होंने गल पै गया बच्चों के, पहला तो मारिया एडा रगड़ा लाने वाला बंदा डंडा सलोत्र जी ने वो मारिया, वो छोटे से मारन पे व्डा गली होया सिर च, तो फिर उन्हें छोटे से कोई खंजर मारिया सीधा दिल से वजह बड़ा बह गया, इतों हूँ तक उसकी डैथ हो गई। मनप्रीत सिंह भतीजा ही मेरा भरा का वरपाल पिंड, उम्र नहीं दसवीं पढ़ता, बाबा खड़क सिंह स्कूल पढ़ता जी, हाँ दसवीं क्लास। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਲਾ ਸੌਰ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਅਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੋਲਵਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਪਾਠ ਪਾਠ ਦੇ ਗੰਢ ਪਾਠ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾੜੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਲ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ 2000 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੈਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਲਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸ਼ਰਦਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਰਚ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਕੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਕਾ ਪਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਡੈਡ ਕਲੇਅਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ 16-17 ਸਾਲ।
होशियारपुर में देर रात जालंधर पठानकोट नेशनल हाईवे पर तेल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे के दौरान टैंकर में भरा हजारों लीटर सरसों का तेल सड़क पर फैल गया। ये हादसा दसूहा के हाजीपुर चौक से कुछ दूरी पर स्थित होटल किंग विराट के सामने घटित हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन दसूहा पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी यहाँ जरूर देखने को मिली। नेशनल हाईवे पर फैले तेल के कारण यहां छोटे वाहन कंट्रोल से बाहर होते दिखाई दिए, लेकिन दसूहा पुलिस ने इन सब नतीजों की परवाह किए बिना एक भी पुलिस कर्मचारी को घटना वाले स्थान पर तैनात नहीं किया, जिससे हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों को घटना वाले स्थान से आसानी से निकलने के लिए मदद मिल सकती थी। ये हादसा सर रात कोई 11:30 बजे का टाइम से मैनू होटल की रिसैप्शन तो कॉल आई कि अपने होटल के बाहर एक टैंकर पलट गया। मैं उस वेले CCTV वीडियो खोल के देखी है, तो देखा इन्ना मालक का शुक्र आ कि कोई जानी नुकसान नहीं होया। जिस तरह का यह हादसा सगा बहुत बड़ा हादसा हो सकता सगा, इतने जिन्हें भी लोग डिनर कर आते बच्चे सैल्फी वगैरह खिचाते उत्थे खड़े हो के, तो उस जगह पर ही आके टैंकर पलटिया। थोड़े दिन पहला भी यही हादसा होया सेम, तो मैं प्रशासन को अपील करना चाहना है कि ट्रैफिक दे थोड़े नियम जड़े आ उन्हां नू देख के ये रोड च भी जे कोई प्रॉब्लम आ तो इनू ये रोड का थोड़ा कर्ब बनता इतों तो उन्हूं सुधारा जाए। मैं प्रशासन नूं ते NH वाले नूं ही अपील करदा हां, थैंक यू। जालंधर के मकसूदा थाना में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, तो वहीं पुलिस अधिकारी ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो वहीं इस आगजनी के कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो आप देखा शिला रिकॉर्ड रूम तो जोड़ा है शिला कंट्रोल जितने जिसे जी रिकवरी करके मोटरसाइकिल वगैरह रखे है जो माल महकमे का समान है वो सारा नुकसान होया। तो अग लगी कितना लगी ये बारे कुछ अभी तक नहीं कह सकते, जिन्हें चिर SHO साहब का इन्होंने स्टाफ नहीं मिलता। मुंशी साहब के कहने का मतलब है शॉर्ट सर्किट ना होया कि होया होया दो गड्डिया भेजी तो कंट्रोल है अच्छ वैसे का सर कि गड्डिया लग गई फिर दो गड्डिया भेजी सर कंट्रोल हो गया अग का कंट्रोल है अग का कंट्रोल है। आम आदमी पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवारों के हक में लगातार बड़े रोड शो किए जा रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की ओर से 28 मई को पठानकोट में पहुंचकर लोकसभा उम्मीदवार शहरी कलसी के हक में बड़ा रोड शो निकाला जाएगा और लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों से अवगत करवाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने बताया कि आप सुप्रीमो गुरदासपुर लोकसभा से उम्मीदवार शहरी कलसी के हक में बड़ा रोड शो निकालने के लिए पठानकोट आ रहे हैं और वे लोगों को आम आदमी पार्टी द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताएंगे। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस रोड शो में शामिल हों और आम आदमी पार्टी की नीतियों और गारंटियों को जरूर सुने। लोकसभा हल्का गुरदासपुर दे समुचे अपने भैन भरावां नूं अपील करदा, तो खास करके विधानसभा हलका भोआ दे लोकां नूं अपील करदा कि कल 28 तरीक नूं मानजोग नैशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पठानकोट पहुंच रहे हैं। मैं समुचे लोगों को बेनती करता कि हम आ के कल 2 बजे उन्होंने रोड शो वाल्मीकि चौंक तो शुरू होगा और बाजारों चो तो निकलता हुआ गाड़ी अते चौंक में समाप्त होगा। सो हिंदुस्तान के सिरमौर लीडर ईमानदार लीडर गुड गवर्नेंस के पितामा जिन्होंने हकीकत लोग पक्षी नीतियां एक बहुत बड़ा बल दिता। सो जिस तरह दिल्ली और पंजाब के अंदर उन्होंने अगुवाई सरकार चल रही हैं और लगातार लोगों के कलेस दूर करने के लिए काम किए जा रहे हैं। मैं सब लोगों को अपील करता कि कल हम आके अरविंद केजरीवाल जी के रोड शो के 2 बजे पठानकोट पहुंचना।
फिलौर के नज़दीक पड़ते गांव लसाड़ा में आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब लगभग पिछले 50 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ रह रहे मुस्लिम समाज के सैकड़ों परिवार कांग्रेस को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान ये सभी परिवार प्रिंसिपल प्रेम कुमार की अगुवाई में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान आप नेताओं ने इन सभी परिवारों को आप पार्टी का सिरोपा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। 40-50 साल तो कांग्रेस पार्टी नाल सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हां नाल हिक ताण के चलते सी और साडे समाज कितनी पीढ़ी चल रही है इस समय तुहाडी ये तीजी पीढ़ी चल रही है घट्ट तो घट और मैनू अपनी होश में देखते सी कांग्रेस पार्टी नू ही सपोर्ट करते सी पर कांग्रेस पार्टी ने अज तक साडा कोई काम नहीं किया है। सानू अज तक साडे पिंड च सानू 40 साल हो गए आया नू हजे तक सानू कब्रस्तान नहीं मिलिया और सब तो बड़ी आम आदमी पार्टी की जिहड़ी है बिजली का बिल माफ़ किया है क्योंकि जिहड़ा बिजली का बिल माफ़ होने नाल जिहड़ी बच्चों की फीस दी जाती है सानू सारे लोगों को बहुत राहत मिल गई है और इस पानी तो इस पार्टी तो असं खुश हो के इस आम आदमी पार्टी नाल जुड़े हैं। इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सारे समाज के असं एक एक वोट आम आदमी पार्टी नू देवांगे। साडे नाल प्रिंसीपल प्रेम जी ने हलका आचार सर वड्डी एक अज मुस्लिम समाज वालों तुहानू सपोर्ट करन दी घोषणा कीती गई है और कुछ उन्हां दी मंगा भी रखी है की कहना इहदे बारे। देखो हलका विधानसभा फलौर का अहम पिंड जिहड़ा है लसाड़ा आ लसाड़े पिंड दे विच ये मुस्लिम भाईचारे के जिहड़े भारी गिणती दे विच भारी मात्रा दे विच जिहड़े हैगे आ ये परिवार रह रहे ने और इन्हां दा पूरा इस हलका विधानसभा फलौर दे विच तेग अली और इन्हां दे परिवारां दा बहुत ही वड्डा जिहड़ा हैगा समूह जिहड़ा हैगा बसदा आ जिहड़े दसां नौहां दी किरत करन दे विच वड्डा विश्वास रखदे आ। ये भाईचारा जिहड़ा हैगा अपने आप बच्चे पाल के जिहड़ा हैगा आ उह जीवन बसर कर रहे आ। अज ये सैकड़े परिवार अज हलका विधानसभा फलौर दे विचों सैकड़े परिवार जिहड़े हैगे आ तेग अली दी अगवाई दे विच जिहड़े हैगे आ उहनां ने कांग्रेस दीआं जिहड़ियां माड़ियां नीतियां करके कांग्रेस तंग हो के कांग्रेस ने इन्हां नूं सिर्फ ते सिर्फ वोट बैंक वजों वरतदे रहे आ परंतु इन्हां दे निजी जिहड़ियां भावनावां सी जां जिहड़ियां इन्हां दे निजी जिहड़ियां हदूद अंदर जिहड़ियां विकास दीआं गल्लां सी उह कदे नहीं सी कीतियां। उदाहरण दे तौर ते 70-75 साल तों जिहड़ियां सरकारां कम करदियां रहियां आ परंतु इस भाईचारे लई कोई भी पिंडां दे विच जिथे समूह रहि रिहा उत्थे कोई कब्रस्तान नहीं। असीं कोशिश करांगे कि असी जिहड़े हैगा वक्फ बोर्ड दे नाल मिल के जिहड़ी कि जमीन इन्हां दे अलॉटमेंट च आई हैगी आ उस नूं असी जिहड़ा हैगा आ कब्रस्ताना दे रूप दे विच दवाउण दे विच पूरी कोशिश करांगे। ये सारी फाइल तैयार करा के सूबे दे मुख मंत्री साहब भगवंत सिंह मान उन्हां नूं भेजांगे तां कि जिहड़ा हैगा इन्हां परिवारां दे नाल जिहड़ा हैगा असी हमदर्दी जता सकीए। सर 5 दिन रह गए इलैक्शन च की हालात ने फलौर दे सब डिवीजन दे किस तरह दा प्रचार तुहाडा चल रिहा असी देख रहे हैं धुप भी बहुत है पर प्रचार किस तरह चल रहा। देखो प्रचार बहुत वधिया चल रहा हैगा। दूजी गल जिहड़ी हैगी आ चोणां दा माहौल आ उह तुहाडे सामने परिवार आधार ने जदों जिहड़े हैगे इदां दे समूह परिवार जिहड़े आ उह आम आदमी पार्टी दे नाल जुड़ रहे ने दूसरियां पार्टियां दीआं तंग नीतियां तों हो परे हो के जिहड़ा हैगा उह साडा साथ दे रहे ने तां तुहाडे सामने नतीजा भी जिहड़ा हैगा तुहानूं दिसदा होणा चाहीदा। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें भजन गायक योगेश शालू और पार्टी चरणधर वालू ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की जिसके बाद भजन गायक ने मां के सुंदर भेंटू का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल अवतार गब्बी फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति साधु रामकालिया सेवादार मास्टर हरिचंद शिव सैगल कपिल सैगल ने गायक योगेश शालू एंड पार्टी जालंधर वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
सवेरा टीवी वहां से हर रविवार की तरह सुदेश भगत जी, संदीप शर्मा जी प्रेस फोटोग्राफर, उनके साथ श्री नमन शर्मा जी, दीपक जी, साधुराम जी कालिया, शिव सैगल जी, कपल जी, आदरणीय श्री हुकूमत राय सैनी जी, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सनातन धर्म बत्ती नौ से। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक केवल खन्ना एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, नरेंद्र सहजपाल, चंदन मोहन ढिंगरा ने गायक केवल खन्ना एंड पार्टी जालंधर वालों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अशोक शीतल, संजीव साहनी, सोहनलाल, किरण कुमार, रविचंद्र मदान, यशपाल, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सरोज कक्कड़, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जेड रोड जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडित राम शरण जी ने श्री गुरु ग्रंथ जी के
पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सरोज कक्कड़ की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर पारिवारिक सदस्यों में पति जितेंद्र कक्कड़, नीरज कक्कड़, डिंपल कक्कड़, पूजा केसर, प्रिंस केसर, रोहित गर्ग, जतिन यशवी, जानवी गर्ग, युवराज केसर, परवीन चावला, रमेश चावला सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर सरोज कक्कड़ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। तरनतारन के गांव गोहलवड़ में पाठ की भेंट लेने गए भाइयों पर दूसरे पाठी सिंह ने तेजधार हथियारों से किया हमला। एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। जालंधर पठानकोट हाईवे पर तेल से भरा टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर पलटा। हजारों लीटर सरसों का तेल सड़क पर फैला। जालंधर के मकसूदा थाना में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।